गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नियति ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं सुबह में शूट इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अभी सो कर उठी हूँ और बाहर इसलिए नहीं शूट कर रही हूँ। क्या हुआ, निकाल रही हूँ। बाहर इसलिए नहीं शूट की हूँ क्योंकि बाहर थोड़ी सी भीड़ है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं शूट कर पाई हूँ। और आज का ब्लॉग मैं अपने बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ, देखती हूँ आज का ब्लॉग कैसा होता है। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए क्योंकि कल रात वो पूरी रात सोए नहीं थे और डिस्टर्ब होने के कारण वो आज पूरी रात सोए नहीं हम लोग, तो इस वजह से आज वो ऑफिस नहीं गए और आज देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। तो आजकल के पापा ऐसे होते हैं कि बेटी 10 बजे तक सोई है और पापा कह रहे हैं सोने दो सोने दो, उठाओ, अरे यार उठा दो। नहीं उठाएंगे क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी देर वो सोए उसके लिए अच्छा है। पता नहीं कितने महीने का बच्चा है कि जितना सोएगी अच्छा है। इस मोहतरमा को देखिए और इसके घड़ी को देखिए। ये कौन उठाने का तरीका है? राजा महाराजा के जैसा। दस बज गए हैं। सारे लोग मिलके एक मोहतरमा को उठा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बिना बात को उसका बॉडी दर्द हो रहा है। सोए सोए कोई काम में धंधा। दोनों माँ भाई, एक भाई और एक पापा मिलके बेटी का सेवा कर रहे हैं कि बेटी जल्दी से उठ जाओ। ये जी बिना बात का सेवा क्यों करते हैं आप इसका? अब तुरंत गुटली से, गुटली द्वारा नंदू पे अटैक होने वाला है। क्या हुआ? मौली है, वो तो सोई है, पापा की बेटी। दिन के बज रहे हैं अभी तो, अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। आने के बाद ही मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ पहले काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं नाश्ता करूँ। अब नाश्ता के लायक तो मैं बची नहीं, अब खाना ही खा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के सारे यूनिफॉर्म को अगेन धुलने, क्योंकि कई बार होता है रखे रखे भी गंदा हो जाता है और वैसे भी वो वाइट यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा करती है। तो अभी मैंने ब्लैक पैंट और शॉक्स एक जगह कर दिया है, वाइट शर्ट एक जगह कर दिया है और उसके साथ उसका जो हाउस टी शर्ट है उसे अलग धुलना है और टाई बेल्ट को ब्लैक के साथ ही धुल देना है। तो इन तीनों को अलग अलग करके पार्टीशन करके इसे धोना है। बहुत मेहनत लगने वाली है तो मैं सोचूँ पहले वाइट वाले शर्ट को सर्फ एक्सल में डाल दूँ। और इसका रोना बंद नहीं हो रहा है, काम करते करते हो गई हूँ मैं, थक गई। क्या हुआ है? तुम इतने गुस्सैल चिड़चिड़े क्यों रो जाते हो? मेरी हालत हो चुकी है। मैं जब भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना उस वक्त मेरा बेटा रोने लगा है, पता नहीं क्यों। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ बना रही हूँ। मम, इसे मम चाहिए, आप देखिए। तो मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ बना ले रही हूँ। पूरी बना के बच्चों को खिलाते नाश्ता कराते हो जाएंगे मेरे 4:30 और 4:45 में मैं निकलूँगी आपको एक नए जगह विजिट कराने। वो बहुत ही प्यारा मंदिर है जिसका नाम है गीता वाटिका। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं अकेले ही जाऊँगी, मैं किसी को लेकर नहीं जा रही हूँ आज क्योंकि सारे लोग बिजी हैं। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर। क्या हाय बोलो।
तो मैं अकेले ही अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड क्या है घूमने जाना है, खुद जाओ, मैं नहीं ले जाऊँगा, तो मुझे वहाँ भी जाना होगा, अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग अपने अपने से स्टार्ट किया है, मैं कब से किसी की हेल्प लेती रहूँगी। तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतना टफ होगा, तो जब मैं ब्लॉगिंग जब स्टार्ट कर ही थी हूँ तो मुझे अकेले भी सब कुछ करना सीख जाना चाहिए, अकेले जाना आना, हाँ थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों को साथ लेके जाना, आप समझ सकते हो इस भीड़ भाड़ भरे रास्ते में शूट करना, बच्चों को संभालना थोड़ा टफ होता है, बट आई मैनेज, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा जगह घुमाऊँ और पूड़िया तल के खिलाऊँ, तब तक आप वेट कीजिए, मैं आपको जाकर अपनी बेटी का सारे यूनिफॉर्म साफ, अब मैं जा रही हूँ इसे धूप में डालने, बड़ा मेहनत पड़ता है सफ़ेद कपड़े को साफ करने में, खासकर इसकी जैसी मैली लड़की हो, तो मैं जा रही हूँ अभी धूप में डालने, फिर आऊँगी तो फिर कुछ नाश्ता दे के और फिर ले चलूँगी आप सबको मंदिर दर्शन करा, जवान भी लड़खड़ा रहे हैं अब तो मेरे थकान से। तो हम लोग हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं घूमने, चलते हैं, आओ। ये हम लोग आ गए राधा कृष्ण की मंदिर में, चलो आए हम गीता वाटिका, यहाँ है श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति, बहुत ही प्यारी है, देखिए कितनी प्यारी है, ये है राधा कृष्ण जी की मूर्ति, और यहाँ से है लेफ्ट में शिव जी और पार्वती जी का, यहाँ है शिव जी पार्वती जी, फिर यहाँ से राइट में हाँ है राइट में है ये श्री राम चतुष्टय मंदिर, यहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और है हनुमान जी। इस पूरे मंदिर का व्यू देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, यहाँ पे लोग आकर शांति से बैठते हैं, अभी यहाँ पे सफाई के कुछ काम चलेगी। गेट से एंट्री करते हैं ना तो सबसे पहले आते हैं ये गणपति बप्पा महाबली हनुमान के पास, ये पूरा मंदिर बहुत बड़ा है, फिर यहाँ से निकलते हैं श्री सूर्य नारायण के मंदिर में, इस पूरे मंदिर में लगी हुई है कूलर, फिर यहाँ से हम चलते हैं और चलते हैं माँ सरस्वती के पास, ये रही माँ सरस्वती, और यहाँ पे है आपको हर एक होली बुक की बुक, यहाँ पे रामायण मंदिर, यहाँ पे आपको रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण कम और श्री कार्तिकवासिन रामायण, फिर वहाँ से हम चलते हैं भगवत गीता की ओर, यहाँ पे है भगवत गीता, गीता चिंतन और श्री भगवत गीता, बहुत सारे बुक्स हैं, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं त्रिवेद भगवान एवं उपनिष्ट मंदिर, यहाँ है देव भगवान, यहाँ पे आपको सारे वेद मिलेंगे, ऋग वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद मिलेंगे, फिर वहाँ से चल के हम लोग भगवत गीता मंदिर चलेंगे, ये रहा भगवत गीता मंदिर, और फिर यहाँ से चल के श्री शोष, मेरी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है, श्री पोषण, आप खुद ही पढ़ लेना यार,
मुझे हिंदी नहीं आती उतनी। फिर यहाँ से हम टर्न होंगे और टर्न होकर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ये है कार्तिक भगवान जी। फिर यहाँ से टर्न होके हम लोग अगेन चले आएंगे फ्रंट में। दुर्गा की प्रतिमा, बहुत ही प्यारी मूर्ति है ये। श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा, और फिर श्री ममता त्रिपुर सुंदरी माँ की मंदिर। ये हुआ यहाँ पे जितने भी स्टैचू थे, मूर्ति थी, भगवान थे वो। और ये रही आपको पूरे मंदिर की व्यू। यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आपको इस पूरे मंदिर में सब जगह आपको कूलर मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी भी गर्मी नहीं लग रही है, हर जगह फ़ैन है हर जगह, और सफाई इतनी है कि आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। यहाँ पे सबको आके दर्शन करके कुछ देर बैठते हैं। मेरे बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था मेरे पीछे, ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है। मैंने आपके हर एक मूर्ति का यहाँ पे आपको दर्शन कराया है। वैसे जूम करके लिए मैं इसलिए पूरा नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि भगवान की तरफ पीठ करके शूट करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये रहा पूरा व्यू आपका मंदिर का। यहाँ से मैं फूल माला भी ली थी। मेरे कॉलेज से भी ज़्यादा अच्छा है, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था। मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे चप्पल नहीं पाओ, नहीं 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 चप्पल प्लेस है। हाँ आओ, तो ये रहा था यहाँ हो रही थी कीर्तन। और यहाँ पे ज़्यादा शोर से बोलना अलाउड नहीं है। और पूरा मंदिर मैं अकेले आके आप लोग के लिए एक्सप्लोर की फर्स्ट टाइम, तो कैसा लगा बताइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए इसी के बीच बीच कितना प्यारा सा गार्डन, इसमें है फाउंटेन। और रात होगा तो इस पे और कलर आएगी, अभी तो धूप है इस वजह से कलर नहीं दिख रही है। लेकिन देखिए कितना प्यारा व्यू है ये। ये रहा पूरा मंदिर, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन की कुछ काम भी चल रही है। ये रहा मंदिर और ये फाउंटेन जा रहा है आ रहा है। और ये जब रात होगा ना तो बहुत ही प्यारा व्यू देता है। अभी हम लोग लेने लगे हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम, और बच्चे को आइसक्रीम खिला के चलेंगे हम लोग। यहाँ से मुझे दो बार ऑटो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से असुरन असुरन से फिर घर।
तो देखते क्या होता है। ये आइसक्रीम ये लोग खा रहे हैं कॉर्नेटो, मैं खाऊंगी फुल्की अगर ये लोग फुर्सत दे दिए तो। अब हम लोग जाने लगे हैं घर, बच्चे खाने लगे हैं आइसक्रीम। थे अकेले जा रहे हैं दुकेले। हम लोग आए और मिल गई भाभी, इनसे ही बोले थे आने के लिए, आई नहीं। हम लोग जा रहे हैं छाया मार्केट, बहुत ही प्यारा मार्केट है ये। वैरायटी वैरायटी के थिंग्स हैं मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे। ये मेरे फेवरेट मार्केट है, छोटा सा मार्केट है लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। ये है यहाँ की पर्स की दुकान, बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे पर्स है, अंडर गारमेंट्स दुपट्टे एवरीथिंग प्रेजेंट है इस मार्केट में। देखिए कितना प्यारा मार्केट है। खाने दो। तो ये यहाँ का छाया का मार्केट है, यहाँ पे आपको सस्ता से सस्ता और सिर्फ सस्ता से सस्ता सामान मिलेगा। आप जब भी गोरखपुर आएँ तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। इसका एड्रेस है छाया, यहाँ आप असरुन से आके अंदर आइएगा, अंदर की ओर आइएगा तो यहाँ पे आपको छाया मिलेगा। आंटी यहाँ की ऑनर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ 250 में जूतीज़ है, इतनी प्यारी प्यारी, और 200 में है, ओनली 200। वहाँ आपकी 100 रुपीज़ की स्लीपर्स है जो कि आपको आप कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार गोरखपुर आइए, आपको वैरायटीज़ ऑफ शूज़, स्लीपर, सैंडल विथ ब्राइडल, आपको हर एक चीज़। आप देखिए कितनी प्यारी प्यारी ब्राइडल है, रेड में है, मतलब हर एक चीज़ में है, फैशनेबल ब्राइडल एवरीथिंग, हील्स हर एक चीज़ में। और ये बहुत बड़ी स्लीपर की दुकान है, यहाँ पे बच्चे बूढ़े हर किसी की है। आप एक बार जब भी गोरखपुर आइए तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे 450 के शूज़ है, ओनली 450। और इधर जब हम इधर की ओर आते हैं ना तो यहाँ पे बच्चों की शूज़ है, यहाँ 250 की शूज़ है, कितनी प्यारी प्यारी है। से अपना स्लीपर लेती हूँ मैं जब भी आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सस्ते दाम में अच्छे अच्छे चीज़ मिल जाते हैं और बहुत प्यारा है। आंटी थोड़ी बार्गेनिंग भी कर लेती हैं, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए, आंटी से मिलिए ज़रूर, बहुत अच्छे पर्स दिलवाएंगे। ये है चूड़ी मार्केट छाया पे, ये है चूड़ी मार्केट, ये है हमारी भाभी, ये यहाँ नहीं बिकती हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही बिकती हैं। ये है इसी के सटे ज्वेलरी शॉप, हाय कर रही है भाभी, भाभी को हाय कीजिए। तो हम और भाभी पूरा घूम रही है मार्केट, और यहाँ पे भाभी की है शॉपिंग, हमने की है शॉपिंग, और ये पूरा मार्केट बहुत प्यारा है। एक बार आप लोग जरूर आइए और भाभी को पार्टनर बनाइए, भाभी बहुत घूमती हैं मेरे साथ, आज निकल के अकेले पछता रहे हैं वाह वाह। लेकिन भाभी के साथ शॉपिंग कीजिए, भाभी बहुत बार्गेनिंग भी करती हैं, बहुत अच्छा शॉपिंग कराएंगे। तो ये रही सुंदर सुंदर ज्वेलरी, एक बार मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत रोना पड़ रहा है यार तुम लोग के चक्कर में, सब्सक्राइब के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। तो चलते हैं अब घर, घर पे बनाएंगे रोटी और खिलाएंगे आपको भी और अपने भी। कितना? और ये सब पजामा भाभी कर रही हैं शॉपिंग, जानवी के लिए ब्लैक कलर के टॉप ढूंढ रही हैं। यहाँ से भी हम लोग आ जाएंगे छाया पे।
अब जब एक बार घुस जाओगे इस मार्केट पे तो फिर निकलने का मन ही नहीं करेगा। देखिए कितना प्यारा प्यारा ड्रेस है, क्रॉप टॉप है, क्रॉप टॉप वाला। अच्छा यहाँ तक वाला। ये है असुरन मार्केट। चारों तरफ से इसकी रास्ता है, जैसे चाहो तो इसे खुश हो। हम लोग आ गए हैं फुलकी खाने के लिए, भाभी इसको बना दी है गाड़ी का मालिक। क्या नाम है इस गाड़ी का? फुलकी खाने आए हैं, भाभी बना दी है इसको गाड़ी का मालिक। हम लोग हमेशा यहीं पे फुलकी खाते हैं, सिर्फ इसी स्टॉल का फुलकी खाते हैं। अगर असुरन आते हैं तो बाकी कहीं नहीं खाते हैं। हम लोग खाने लगे हैं फुलकी, खा के सूट करते हैं। यहाँ बहुत क्राउडी 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 है। करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग हो गया है बहुत लंबा, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को मत भूलिए। बाय टाटा, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, भगवान सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। मिलते हैं नए नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। ब्लॉग पूरा देखिएगा।